कांग्रेस से पूर्व मंत्री जीएस बाली के मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर हिमाचल की सियासत गरमाने लगी है। योजना आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बाली के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता इस पर भी क्षेत्रवाद फैलाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 से 15 उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हिमाचल में जयराम ठाकुर ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उपचुनाव भी भाजपा ही जीतेगी। भाजपा लोकसभा से लेकर पंचायतों तक के चुनाव में जीत कर आई है। कांग्रेस पार्टी बनती हुई है उनसे प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश और देश की भाजपा सरकार आम जनता के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर दौरा कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं विकास की बरसात करते हैं, और यदि कोरोना नहीं होता तो कम से कम 5 दौरे मुख्यमंत्री प्रत्येक क्षेत्र के करते। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार का तालमेल काफी अच्छा है। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पिछले 7 सालों में हिमाचल को मिले हैं। वही कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ मची है, जो कभी होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आजकल उपचुनावों का जो जोर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं 3 विधानसभाओं के और 1 लोकसभा का, हिमाचल में शायद ही कभी इतनी जल्दी इतने लोगों मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, जिसके कारण ये 4 उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जरूरी भी है, तो उसके नाते जैसा आपने कहा कि राजनीति गरमा रही है, इन चुनावों के माध्यम से अनेकों लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं आगे प्रबल हो रही हैं। और जैसा बाली जी ने कहा है कि कांगड़ा से मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है। हम लोगों को क्षेत्र की बात नहीं करनी चाहिए, और कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है। कांगड़ा ने पहले भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को शांता कुमार जी के रूम में दिया है, तो मुख्यमंत्री कहीं से भी बन सकता है। लेकिन हमें क्षेत्र के हिसाब से अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसा प्रतिष्ठित पद भी उसमें क्षेत्रवाद की सीमाओं के अंदर लिप्त करके रह जाएगा। मुख्यमंत्री जो आज चल रहे हैं जयराम ठाकुर जी, मुझे तो लगता है बाली जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे हैं, हिमाचल से ही है, और हिमाचल का मुख्यमंत्री बने ऐसा तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन क्षेत्र की बात करना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। ऐसे कहूँगा भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जहाँ तक दूसरा विषय है हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों का, उपचुनाव चल रहे हैं, 3 विधानसभाओं के चुनाव होंगे और 1 लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी रूपरेखा तैयार की है। पार्टी का संगठन और सरकार इस काम में लगा है। उन विधानसभा क्षेत्रों में पहले भी हम लोगों ने अनेकों विकास के काम किए हैं, और आने वाले टाइम में भी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम चले हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोकसभा भी जीतेंगे और 3 विधानसभा भी जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो आज अलग अलग ग्रुपों में बंटी हुई है, बाली जी ने तो ये कहा कांगड़ा से बनना चाहिए, और अगर बाली जी से कोई लिस्ट पूछे तो मुझे लगता है कि 10-15 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ना हो। तो उसके नाते तो जो वर्तमान व्यवस्था चली है मुझे लगता है वो अच्छी है, उसमें हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जयराम जी प्रदेश के एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का जैसा चहुमुखी विकास चंबा से किन्नौर तक और इसी तरह से सिरमौर से इधर सारे क्षेत्र में जो विकास का काम चला है लाहौल स्पीति में, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार का तालमेल अच्छा है। मोदी जी के माध्यम से अनेकों प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में आए हैं। शायद इतने प्रोजेक्ट्स किसी प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को दिए हों जितने 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को दिए हैं। तो हिमाचल की राजनीति क्षेत्रों में ना बन करके अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और अच्छा व्यक्ति कोई भी हिमाचल प्रदेश में हो तो मुझे लगता है हिमाचल की सोचेगा। तो उसके नाते हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अच्छा कर रही है, संगठन में भी सरकार में भी। इसी कारण से हम लोग चाहें चुनाव जीतने की स्थिति में, और हम लोग जीतेंगे। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। या तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ
हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।